हेलो गाइस, आज मैं आपको मोदी केयर का सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला मतलब शैम्पू दिखाने जा रही हूँ, जो कि है हेयर फॉल के लिए। इससे टूटे हुए बालों को ये रिपेयर करता है और इसमें प्रो विटामिन B5 भी है, जो कि बालों को केमिकल से बचाता है और बालों को टूटने से भी बचाता है। ये इसमें मौजूद बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आपके बाल ज़्यादा डैमेज हैं तो भी ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। मेरे खुद के बेटे के बाल बहुत झड़ते थे, तब मैंने ये शैम्पू उसको यूज़ करने को दिया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बल्कि मेरे जितनी फ्रेंड्स हैं, वह मेरे आसपास हैं, वह सब इसी को यूज़ करते हैं। मोदी केयर अपने हर प्रोडक्ट पे 100% गारंटी देता है और मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, आपको हर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है पैसों के लिए, तो आज ही अपना बिजनेस शुरू कीजिए मोदी केयर में और अपनी लाइफ बना लीजिए। मैं आपको बार बार यही कहूँगी। और ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है। आज हम शैम्पू की बात कर रहे थे और मोदी केयर अपने हर प्रोडक्ट पे 100% गारंटी देता है, ये देखिए। साथ ही साथ इसकी MRP भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो है 280 रुपये, और ये 200 ml का है। ये देखिए, 100% गारंटी है हमारे मोदी केयर की। हर प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसमें हर प्रोडक्ट को आपको 100% गारंटी मिलेगी, और गारंटी ही नहीं, प्रोडक्ट भी बहुत दमदार हैं, सच मानिए। आज ही आप ज्वाइन करिए, और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मंगवा भी सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, यकीन मानिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मैंने भी इसको यूज़ करा, मेरे हस्बैंड के भी बाल बहुत झड़ते थे, इससे बहुत आराम मिला उन्हें भी। और ये डैमेज जितना भी डैमेज होता है बालों को, उसको रिपेयर करता है और आगे जो सर में एक पपड़ी सी जम जाती है डैंड्रफ की, उसको भी हटाने में मदद करता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी, मत फैलाइए किसी के आगे अपने हाथ। आत्मविश्वास अपने अंदर जगाइए और आज ही मोदी केयर ज्वाइन करिए। अगर मोदी केयर के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।